हेलो हेलो फैमिली, और मैं मिर्ची का पेड़ लेके आई हूँ और मिर्ची लगाऊंगी इस खेतों में। सो आइए आप लोग देखिए कैसे मैं मिर्ची लगाती हूँ। बगीचे में आ गई हूँ और मिर्ची का पेड़ इतने सारे लगा दी हूँ और एक एक करके मैं सारे में पानी डालती हूँ, तो आप लोग देखें। और देखते हैं पसीना कितना हो गया है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और पसीना मेरा देख सकते हैं, काफ़ी गर्मी हो जाता है और इसी वजह से मैं काम नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जो भी होता है, मैं अपने बगीचे में हर कुछ लगाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बाय बाय, घर चल के बात करते हैं थोड़ा फैमिली। और मैं थोड़ा सा ही काम करती हूँ और पूरे देख रहे हो दिख रहा होगा, देख पा रहे हो काफ़ी पसीना हो जाता है। मैं कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाऊँगी तो पता नहीं इतना क्यों पसीना आता है। पहले नहीं आता था, जब से पता नहीं ये दो तीन एक साल या कुछ मंथ से ऐसा हो रहा है। हाँ, एक साल से हो रहा होगा ऐसा। काफ़ी गर्मी लगने लगता है, पंखा से मुझे काटने नहीं देता है, काफ़ी मुझे पसीना आ जाती है। और पहले नहीं आता था, पहले बस थोड़ा सा कितना भी गर्मी हो तो थोड़ा सा ही पसीना आता था। अब मैं सिर्फ पंखा के नीचे से हटती हूँ और मुझे इतना पसीना आ जाता है जो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। सो अगर कोई अच्छा डॉक्टर आप लोगों को होगा तो सजेस्ट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, और मैं दिखाने की कोशिश करूँगी उस डॉक्टर से। और थकान सा भी, काफ़ी थकान हो जाती है इसके वजह से, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और बाय बाय। हेलो हेलो फैमिली, आज मैं सुबह सुबह पानी पटाने आ गई हूँ। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, और मैं अभी आई हूँ पानी पटाने, जो कल मैं मिर्ची रोपी थी, और कैसे ये फलेगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए पानी पटा के मिलती हूँ, बाय बाय, आप लोग बने रहिएगा। देख सकते हैं आप लोग, पानी में सारे में डाल दी और अब मैं चलती हूँ घर। अब मैं पानी डाल दी और घर चलती हूँ, घर चल के आपसे बात। और देख सकते हैं घिउरा काफ़ी फुलाया हुआ है और फड़ा हुआ भी है, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि। तो इस फूल का जो है देख सकते हैं, इस फूल का बहुत अच्छे सब्ज़ी भी बनता है और कचरी भी बनता है। तो मैं कचरी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, इसकी रेसिपी होगा तो शेयर करूंगी, काफ़ी अच्छा होता है और हमारे घर में सबको पसंद है। और मैं जल्द ही बनाऊंगी क्योंकि तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, इसके वजह से बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि तोड़ना एक एक करके तोड़ना तो थोड़ा सा मुश्किल है ही, और इसी वजह से कम बनाती हूँ। पर बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, बिल्कुल दिखाऊँगी। और इस तरह से है घिउरा और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी देखने में। सो दो चार भिंडी है,
मैं तोड़ के आप लोगों से मिलती हूँ, ज़्यादा नहीं है। पेड़ काफ़ी ज़्यादा था पर माटी जो गिरा ना इसके वजह से भिंडी का पेड़ दब गया, नीचे चला गया। यही घर बनने के वजह से सारा मेरा सब्जी बर्बाद हो गया। सो इतना भिंडी निकला है, आप लोग देख सकते हैं इतना ही भिंडी निकला है। और एक जगह से आता है जो बटैया लगाए हुए हैं, तो मिला के अच्छे से हो जाता है सभी आदमी को। और इधर तब तक मैं डाल देती हूँ, वो भी आ जाएगी सब्जी। देख सकते हैं सुबह सुबह हो गया है और मैं आटा गूंद ली हूँ। सो और इस बैंगन का भी सब्जी बनाऊंगी, और इसमें कुंदरी है और इसमें यहाँ पे बैंगन है, बैंगन का भी सब्जी बनाऊंगी। और अभी मैं कुंदरी की सब्जी चढ़ा रखी हूँ सुबह सुबह भुजिया, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। और बेटी स्कूल जाती है इसीलिए तो मैं सुबह सुबह ही ये भुजिया और रोटी बना के उसे दे दूँगी, उसके बाद मैं चावल और सब्जी बनाऊँगी। हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? और मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस 5-6-7 मिनट का ही बना रही हूँ। सो आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और मैं किसी किसी से बताई तो कुछ लोग बता रहे हैं कोरोना का जब से सुई लिए हैं, और मैं भी इस चीज़ को देखी हूँ कि जब से कोरोना का सुई ली हूँ तभी से इतना पसीना आता है। सो आप लोग बताइएगा अगर ऐसा सही में है। आगे मैं बताई हूँ, स्किप करके ना देखिएगा, और जो भी है पूरा पूरा देखिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, जो सुई लेने के बाद इतना गर्मी लगता है। और पहले इतना नहीं लगता था, अब जब से मैं दो डोज ले चुकी हूँ सो तब से इतना गर्मी लग रहा है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।